गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। देखो सुबह का वक्त है, माशाल्लाह हलीमा को मैंने तैयार कर दिया है। और देखो आज ही माशाल्लाह सुबह 7 बजे उठ गई थी, 8:30 स्कूल है। और तेरी मम्मा 7 बजे उठ के और रोई नहीं, माशाल्लाह रोती नहीं मेरी बेटी। और कहने लगी मम्मा मुझे ना जल्दी निकाल दो, तैयार कर दो और मैं जल्दी से स्कूल जाऊँगी। तो ना की रहती है कि मैं बैग टांग के जाऊँगी और बुक लेके जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा मैडम बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी जाती है। और दोनों बच्चे मेरे साथ साथ ही उठ जाते हैं, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तो मेरे साथ साथ ही दोनों बच्चे उठ जाते हैं। नहीं खुशी बच्चों पे तो डायपर लगा रखी तो है। हाँ सुबह मॉर्निंग में इसको तैयार करना पड़ता है और फिर दोनों ही एकदम साथ एक साथ पोटी कर लेते हैं। उसके जैसे पहले एक को करवाती हूँ फिर दूसरे करवाती हूँ, इसलिए मैंने तैयार कर दिया इसको। हलीमा को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ मैं और दोनों बच्चों को मैंने नीला धुला के अच्छे से उन्हें दूध वगैरह खिला के पेटर खिला के सुला दिया है। और ये सब्जी बनने रख दी है, उनका बना रही मैं रोटी, शाम तक का बना लूँगी क्योंकि बच्चे मुझे काम नहीं करने देते। बर्तन पे भी ऐसे रखे हैं तो फिर मैं उसके बाद बर्तन लूँगी, नाश्ता पानी हमारा सब लूँगी, तो मैं निपटा लूँगी खाना पानी। रोटी बना रही है उसको ले ले बीबी को, मैं छतरी ठीक कर रहा दोस्तों। ये छतरी नहीं लेकर आया था तो इसका एक तार है ना टूट गया है, जब एक तार टूट जाता है तो सारा टूट जाता है और ये तार है ना कपड़े भी फाड़ सकता है। मैं इसको अभी लगाता हूँ तार ऊपर ठीक करूँ अगर कभी। देखो हलीमा की छुट्टी हो गई है स्कूल से और मैं साइकिल पर लेने आया था, बैग मैंने पीछे रख रखा है इसका हलीमा का। मेरा छुट्टी हो गई ना बेटा आपकी, आ जाओ तो फिर इधर को आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या पढ़ाया मैडम ने? मैडम इसे हंसा रही थी ऐसा बोल रही है या बेटा। क्या कह रही थी मैडम आपको? सब बच्चे हंस रहे थे कैसे? अरे वही बजाई ताली भी बजाई क्यों? आप सबको खिला रही थी मैडम? चलो स्कूल की ड्रेस उतारो, ठेला निकालना पड़ता है ना बाहर इसलिए निकालना पड़ता है, तो जैसी भी खड़ी है ना उधर से ठेला नहीं दिखता। अन्नी में ठेला है ना यहाँ भी लग सकता है, देखो मैं उधर से देखूंगा ना जाके तो बिल्कुल नहीं दिखेगा ठेला। ये देखो ठेला इसके अंदर देखो बिल्कुल नहीं दिखता, वहाँ से रोड तक खड़ी है जैसी भी वो इधर बैठा ट्रक यहाँ पर आ गए। वो रिफाइंड कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और 5 पाउच डालें देखो, इधर 5 पाउच डालें देखो अभी, और इसका कलर देखो रिफाइंड का कैसा है। और जब मैं चिकन फ्राई करूँगा ना 10-1 किलो तो ये बिल्कुल काला हो जाता है एक ही दिन में रिफाइंड। और जो ठेला जो मैं इतने बाहर लगाता हूँ ना रोड के करीब, वो इस JCB की वजह से लगाता हूँ क्योंकि JCB की वजह से है ना ठेला मेरा दिखता नहीं उधर से। अरे JCB है ना इस नाले से यहाँ तक खड़ी रहती है JCB, इसकी वजह से मुझे ठेला है ना बाहर लगाना पड़ता है बाहर की तरफ इन खंभों के सामने। तो ये मोटर आए हुए बनने के लिए और इनका अर्जेंट ऑर्डर भी है ये तैयार हो जाए। पर ये देखो काम वाम छोड़ के देखो क्या खेल रहा है, ये क्या है भाई? फ्री फायर पबजी है? ये तो पबजी है, बैटल ग्राउंड खेल रहा है, देखो पबजी खेल रहा है। अब देखो मर जाएगा इसका, ये देखो वो बन गई राग इसकी। सब उड़ लेगा भाई, पबजी चल रहा है सब कुछ काम वाम छोड़ के। ये देखो मरने वाला है बस, ये डुपक डुपक के मारो थोड़ा भाई। साइकिल कर दिए 6 किल कर दिए मैंने, 25 में से ओ भाई 25 मतलब 6 किल कर दिया मेरे। देखो इस बंदे ने देखो
जीत गए। चिकन फ्राई की इस दुकान पर खड़े होने के बाद मुझे शमशाद भाई की याद आ गई, जो कि ढिंग का चिका 250 रुपए किलो चिकन फ्राई और 100 रुपए किलो गर्दन बेच रहे थे, जो कि 8-9 महीना पुरानी वीडियो है, पुरानी बात है। और आज देखो यहाँ पर कैसे सुनसान पड़ी है और सामने वाले भी चिकन फ्राई की दुकान बंद है। आज रौनक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो कि वो शमशाद भाई की वजह से थी यहाँ पर। देख तो भाई कितना बंदा कर रखा है मुर्गा, ढिंग का चिका क्या भाव कर रखा है मुर्गा? 250 रुपए किलो कर रखा भाई मुर्गा, 250 रुपए किलो भाई, 250 रुपए किलो कर रखा है मुर्गा। देखो ढिंग का चिका, और गर्दन क्या भाव है? गर्दन 100 रुपए किलो, गर्दन 100 रुपए किलो कर रखी है। नेट पे भाई 250 रुपए किलो कर रखा है ढिंग का चिका भाई, बढ़िया करके बना दी मेरे तो करारा कर दिया, सही मजा आ जा। ढिंग का चिका चोखा 250 रुपए किलो मुर्गा फ्राई। नेट पे छोड़ दो वीडियो। दोस्तों देखो शाम का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैंने खाना बनाने से हम दोनों हस्बैंड वाइफ फारिग हो चुके हैं और तीनों बच्चे माशाल्लाह सो रहे हैं। अंदर की लाइट बंद कर दी हम लोगों ने, क्योंकि तीनों बच्चे उठ जाते हैं। तो मैंने अब फिलहाल तो मैं बस अब खाना वाना खा के फारिग हो के अभी मैंने ना बहुत ही टेस्टी यहाँ मैंगो जूस बनाया था, तो बहुत मज़ा आया, ठीक है, ठंडा चिल्ड बिल्कुल, थोड़ा छोटे से बड़ा डाल के पिया मैंने, तो बहुत माशाल्लाह मज़ा आया। और अब बस अब अल्लाह के शुक्र से हम लोग सोने जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।